तो आप देख सकते हैं 20 बुलेट बाइक की ये एक डेमो चाबी है, लेकिन बुलेट बाइक पूरी तरह से तैयार है और अब हरियाणा पुलिस के कमांडो एक एक करके अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलेंगे और सभी ने हेलमेट डाले हुए हैं। ये एक प्रतीक भी है कि आप सुरक्षा ध्यान में रख रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के कमांडो अब तैयार हैं। ये कमांडो जवान वो हैं जो आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को करतब दिखाते हैं बुलेट पर, और रॉयल इनफील्ड की ये बुलेट बाइक अब तैयार है पूरी तरह से। और ये कमांडो जो जवान हैं नेवल एकेडमी के, वो भी इस पर स्टंट करते हुए नजर आएंगे। और हम आज पहुंचे हैं करनाल में नमस्ते चौक के नज़दीक, मोंगा जी का जो शोरूम है ये रॉयल इनफील्ड का, और आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो किस तरीके से अब अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं। हरियाणा जो पुलिस है, डीजीपी पीके अग्रवाल जी हैं, उन्होंने टाई अप कर रखा था इस शोरूम के साथ, और उसके बाद अब इन बुलेट्स बाइक को ये कमांडो जवान यहां से लेकर जाएंगे। तो हरियाणा पुलिस के कुछ कमांडो से हम बातचीत करेंगे। ये वो कमांडो हैं जो आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुलेट बाइक पर करतब दिखाते हैं, और अब ये नई बुलेट बाइक खरीदी गई है, इस पर तैयारी भी होगी और साथ ही साथ एक रिहर्सल के बाद आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को करतब भी दिखाए जाएंगे। आपका शुभ नाम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना बेनिफिट आपको इससे मिलेगा? मेरा शुभ नाम है कांस्टेबल गौरव राठी। तो हम 41 कमांडोज चयनित किए गए हैं 15 अगस्त की तैयारी के लिए। जो हमें बाइक दी गई है, हमारे डीजीपी साहब ने हमें बाइक दी है, हम इन बाइक के ऊपर तैयारी करेंगे और 15 अगस्त को अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और 26 जनवरी भी आगे आएगा तो उस पर भी अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। किस तरीके से आप लोग कर्तव्य करते हैं, क्या एक टीम का पूरा लाइनअप रहता है, उसके बाद आप लोग तैयारी करते हैं? हमारे कुछ कमांडोज होते हैं, कुछ बाइक स्टंट्स करते हैं, लाइक ग्लासेस के ऊपर से जाते हैं, कुछ फूल बनाते हैं, कमल का फूल बनाते हैं, कुछ हमारे तिरंगे के ऊपर सलूट करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से हमारा वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट रहता है। और हमारा कॉन्सेप्ट मेन ये होता है कि सारी पब्लिक खुश रहे, सबको अच्छा लगे, सब हमारे लिए करे कि हम सब को अच्छा लगे ये प्रदर्शन। 20 कमांडो को अब बुलेट बाइक मिल रही है, आप लोगों के लिए कितना अच्छा मौका है ये। हमारे डीजी साहब को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें ये बाइक दी गई हैं, क्योंकि इन बाइकों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और बाइक हमारी जो तैयारी होगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी। हमारे साथ एक और कमांडो हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम, और पूरी तरह से तैयार हैं अपनी टीम के साथ अब आप? सर, मेरा नाम कांस्टेबल रौनक है, और सर आज बड़े खुशी का दिन है, जो हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल सर ने जो आज हमको 20 बाइक नहीं दी है, एसपी कमांडो को हम धन्यवाद दे करते हैं और अपना आने वाले टाइम पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं सर? सर, जैसे कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे पर हम पब्लिक के सामने अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, और सर जैसे स्टंट वगैरह करते हैं इस पे शो करके दिखाते हैं हम, अच्छा अपने जो कर्तव्य होता है उसको करके दिखाते हैं। तो नई बाइक मिलने से काफ़ी फायदा होगा? हाँ, नई बाइक मिलने से बहुत फायदा होगा सर, और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं 20 बुलेट बाइक की ये एक डेमो चाबी है, लेकिन बुलेट बाइक पूरी तरह से तैयार है और अब हरियाणा पुलिस के कमांडो एक एक करके अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलेंगे और सभी ने हेलमेट डाले हुए हैं। ये एक प्रतीक भी है कि आप सुरक्षा ध्यान में रख रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, और इन्हीं बुलेट्स पर जो है करतब की तैयारी की। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कमांडो यहां से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम कमांडो 15 अगस्त और 26 जनवरी को करतब दिखाएंगे इन बुलेट्स बाइक्स पर। और मोंगा मोटर्स पर हम पहुंचे हैं, जो
रॉयल इनफील्ड का ये शोरूम है। आपको बता दें कि कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल के जो एसपी हैं आईपीएस अधिकारी विनोद जी हैं और हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल हैं और इस पूरी टीम को जो लीड कर रहे हैं जंगशेर जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं वो, सर क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी टीम को 20 बुलेट बाइक दी गई हैं, क्या मकसद है, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाएगा? सर आज हम बहुत खुश हैं कि मोगा मोटर से हमें 20 बुलेट मिली हैं। डीजीपी हरियाणा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एसपी कमांडो को 20 बुलेट आज अलाट किए हैं। इन बुलेट से हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो हैं डेमो करेंगे, इनसे स्टंट दिखाएंगे ताकि आने वाले प्रोग्रामों में इनसे अच्छे स्टंट हो सकें। किस तरीके से तैयारी करते हैं आप, तो हिस्सा रहे होंगे इस टीम का, नई बाइक का क्या फ़ायदा होगा? नई बल जैसे सर हमारे पास पहले जो बुलेट थी वो किक स्टार्ट थी, अब इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्ट बुलेट आई हैं, इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और स्टंट करने में पहली जो बुलेट थी काफ़ी भारी थी और इनसे बैलेंस भी बहुत अच्छा बनेगा, ग्रिप अच्छी बनेगी इनसे। तो किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है सर? जैसे कि जवान हाथ छोड़कर बुलेट को कंट्रोल करना, सीढ़ी के द्वारा फूल बना के तिरंगा लगा के और कुछ चीज़ रख के उसके ऊपर से जंप कराना, इस तरह के स्टंट वगैरह इसमें किए जाते हैं। तो अगर आपने भी रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक खरीदनी है, बुलेट खरीदनी है, तो आप आ सकते हैं मोगा मोटर्स पर जो करनाल में नमस्ते चौक पर स्थित है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और करनाल में ये शोरूम नमस्ते चौक पर है। जो जो भी मॉडल हैं बुलेट के वो हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे नए मॉडल भी अब मार्केट के अंदर आ गए हैं। अगर आप शौकीन हैं पहाड़ों पर घूमने के तो आपके लिए सबसे खास और बेहतरीन बाइक रहती है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, और इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ एक नया मॉडल मेटियोर 350 रॉयल इनफील्ड का मार्केट में धूम मचा रहा है। इसके अलावा और भी ढेर सारे मॉडल हैं जिनकी हमेशा चर्चा रहती है। ये आप देख सकते हैं सुपर मेटियोर 650 है, यानी कि इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो 650 सीसी का लगा हुआ है। अमूमन हम देखते थे पहले की जो बाइक आ रही थी उसमें 350 सीसी का इंजन रहता था, ये भी आप देख सकते हैं। इंटरसेप्टर जो नई बाइक आई है 650 सीसी के अंदर रॉयल इनफील्ड की, इसकी लुक शानदार है, ज़बरदस्त है। तो अगर आपको कोई भी रॉयल इनफील्ड का मॉडल खरीदना है, बुलेट बाइक खरीदनी है, तो आप आ सकते हैं करनाल में मोगा मोटर्स पर जो नमस्ते चौक पर स्थित हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर बताएं अपने शोरूम के बारे में कुछ, कौन कौन से मॉडल हैं, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब भी बुलेट बाइक खरीदने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या यही रहती है यार, वेटिंग बहुत लंबी है, तो कुछ बताएं यहाँ के बारे में। पहले तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको जो देख रहे हैं। हम यहाँ मोगा मोटर्स पे 2005 से रॉयल इनफील्ड की डीलरशिप है करनाल में, हरियाणा में। आज जैसे कि आपने पहले देखा, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली 20 बुलेट सर्विस बुलेट्स देने की। ये सब वहाँ यूज़ होती है, जैसे हम आर्मी परेड्स देखते हैं और स्टंट्स देखते हैं इनके, तो ये कमांडो सब हमारे से गए। हम वी फील रियली ऑनर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और हम आगे भी ट्राई करेंगे इनकी सर्विस, सबको अच्छे से सब सर्विस प्रोवाइड करें और इनके मेंटेनेंस का ध्यान दें। और अब बहुत सारे मॉडल्स जैसे कि आप देख रहे हैं आ चुके हैं मार्केट में, तो पहले 350 सीसी से शुरू होके अब 500 सीसी तो डिसकंटिन्यू हो गया, बट अब 650 सीसी इन्होंने नया इंजन लॉन्च किया है, उसमें अब कई वेरियंट्स ऑफर कर रहे हैं, बहुत कलरवेज, बहुत मॉडल्स मेक्स अब आ चुके हैं मार्केट में। तो हम सबको बोलेंगे कि आइए देखिए, अपना पसंद कीजिए मॉडल। हाँ जी, जैसे कि आपने बोला आपके क्वेश्चन पे, आई विल गेट बैक टू इट, कि अब वेटिंग टाइम पहले से बहुत बेटर हो गया है, अब मिल जाती है गाड़ी। अब एक और रॉयल इनफील्ड ने फीचर लॉन्च किया जिसमें कि आप कस्टम करवा सकते हैं अपनी बुलेट अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि
आप ऑर्डर देंगे जैसे आपको कस्टमाइजेशन बाइक पे चाहिए, जैसे आपको लेग गार्ड चाहिए, जैसे आपको अलॉय व्हील्स चाहिए, सब आपकी नीड तो शायद अभी शुरू हुआ है, पिछले कुछ समय से। हाँ जी, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इससे क्या होता है कि वेटिंग टाइम भी हमारे को अहेड ऑफ द टाइम पता लग जाता है कि कहाँ से क्या डिमांड है बुलेट की, और ऑर्डर तैयार होके कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से शोरूम में आ जाता है और डिलीवरी हो जाती है, इससे कि वेटिंग टाइम पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। एक बार और जान लेते हैं सर, बताएं कुछ शोरूम के बारे में और किस तरीके का रिस्पांस रहता है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। मैं हेमंत मोंगा, डीलर मोंगा मोटर्स करनाल, आई एम रॉयल एनफील्ड डीलर, एंड हम लोग बाइक्स तो सेल करते ही करते हैं, बाइक के साथ अब कंपनी ने अगर आप देखेंगे फुल ऑफ एसेसरीज है, जिसमें टी शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, राइडर्स हैं उनके लिए राइडिंग जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, उसके अलावा अलॉय व्हील्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे हेलमेट्स हैं। आप इस साइड देखेंगे तो वो सब जैकेट्स और आपको वो सब दिखेगा। पिलियन सीट्स हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ नाउ अवेलेबल अंडर वन स्टोर। सो आर मोटिव इज़ टू गिव बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर्स, आर मोटिव इज़ टू सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। फाइनेंस फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विद ऑल बैंक्स विच हैव अ टाई अप विद रॉयल एनफील्ड। सो वी आर सेलिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड गिविंग द बेस्ट क्वालिटी टू द कस्टमर। ये एक बहुत खास बात है, एसेसरीज भी आपको मिल रही है। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि यार पहाड़ों पर जाया जाए, घूमने जाया जाए, अपनी बुलेट बाइक ली जाए, उसके साथ साथ आपको जैकेट मिल रही है, हेलमेट मिल रहे हैं, ये एक छोटे पीसेस मिल रहे हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं एक शो पीस के तौर पर। साथ ही साथ ग्लव्स हैं आपके लिए, टी शर्ट्स हैं, कैप हैं, शूज़ हैं जो पहाड़ों में इस्तेमाल होते हैं, गार्ड्स हैं ताकि आपको चोट ना लगे। बहुत बड़े जो भी राइडर होता है, जो भी अपनी बाइक के जरिए सफ़र करता है, लंबे सफ़र पर जाता है, वो इस्तेमाल करता है इन गार्ड्स को। तो अगर आप खरीदना चाह रहे हैं रॉयल इनफील्ड की कोई भी बुलेट बाइक, कोई भी मॉडल आपको खरीदना है, तो आप आ सकते हैं मोंगा मोटर्स पर जो करनाल में नमस्ते चौक पर स्थित है। एक खास बात और इन्होंने बताई है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, लोन फैसिलिटीज भी आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारायण।